चल रहा है एंड आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। माई सजेशन वुड बी सेम कि एटलीस्ट बाय दिसंबर अपना सिलेबस को आप लोग कंप्लीट कीजिए एज मच एज पॉसिबल। एंड आई नो कि ये एक दो महीना में तो होने वाला नहीं था, बट 70-80% आप लोग कवर कर लीजिए एंड देन यूज इट फॉर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करिए, सो दैट ड्यूरिंग मॉक टेस्ट ऑल्सो जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम था आप उससे अवेयर हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आप लोगों को अभी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो वो किस फॉर्मेट में होगा वो समय ही बताएगा। बट उससे पहले फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड यू नो माई जो मेरे जूनियर्स हैं उन लोग हमसे पूछ रहा था कि सर ये जो इतना ज़्यादा पोस्ट दिए हैं आउट ऑफ 12 हम लोग किसको इसमें प्रेफरेंस देना है वगैरह वगैरह। सो बेसिकली आज हम उसी के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहेगा। यू नो मेरा भी हार्डली ओनली 3 मंथ्स इन द सर्विस है, बट द फर्स्ट 1 मंथ जब हम लोग बेसिक ट्रेनिंग किया था उसमें वी हैव मेट एंड वी हैव टॉक्ड टू ऑल दिस ऑफिसर्स जो जो ये पोस्ट में है ऑलमोस्ट सभी से हम लोगों ने बात किया है, उन लोगों को काम देखा है। तो उसके आधार पर आई वुड लाइक टू गिव यू एन ओपिनियन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम अगर आज एक एस्पायरेंट होता तो मेरा वो प्रिफरेंस का वो कैसा होता। सो बेसिकली वो ऐसा होता, इट वुड बी लाइक दिस। सबसे पहले डेफिनेटली APCS हर कोई यही सोचता है। सेकेंड मेरा पुलिस फोर्स होना था। आफ्टर दैट अब अभी तक जहाँ तक मैंने काम किया है और मेरा एक्सपीरियंस रहा है आई थिंक DLRSO ये इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है एंड ये भी एक सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। नो अब अगर जेन्युइनली ऑनेस्टली काम करने से आई थिंक DLRSO कैन ऑल्सो प्ले वेरी वाइटल रोल। तो माई थर्ड वुड हैव बीन ये। चौथा होना था मेरा CDPO। वंस अगेन सेम रीज़न, CDPO कैन टच द लाइफ्स ऑफ यू नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन ए डिस्ट्रिक्ट, अच्छा काम कर सकते हैं एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो गरीब है जो डाउन ट्रोडन है जो पुअर है नो उसके लिए बहुत काम कर सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड के लिए। पांचवा होना था मेरा DDMO। इसलिए क्योंकि इसमें काम थोड़ा आसान है नो, इसमें आपको डेफिनेटली आप हेडक्वार्टर में रहेगा DC ऑफिस में अटैच रहेगा, ज़्यादा काम नहीं होता है। काम तभी होता है जब कोई नेचुरल कैलामिटीज या डिजास्टर स्ट्रक करता है। इन द रिसेंट पैंडमिक कोरोना का उसमें यस DDMO लोग ने बहुत काम किया। सिक्स वुड हैव बीन ARCS कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी यू नो जो लोग मालूम नहीं उन लोगों को बहुत ये फील्ड में आगे बढ़ा सकता है नो, तो ARCS होना था मेरा सिक्स। सेवन वुड हैव बीन असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज। काम कम है बट इसमें क्या है कि आपके पास समय बहुत है आप अलग काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बार अगर आपका APCS नहीं हुआ है या APPS नहीं हुआ है एंड योर ड्रीम जॉब इज टू गेट इन टू APCS और APPS तो आप यू कैन ऑप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और आपको पढ़ाई पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बेसिकली आपके पास समय होता है इतना काम हेडेक नहीं है ना, सो आप पढ़ाई करके नेक्स्ट ईयर यू कैन कम, सो उसमें काम आता है। एट वुड हैव बीन स्टेशन सुपरिटेंडेंट। इसमें भी इतना हल्ला गुल्ला नहीं है, एकदम काम करिए जेंटली काम करिए और अच्छा काम करने से यस एवरीवन रिकॉग्नाइज यू। नाइन्थ वुड हैव बीन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसका रीज़न ये है कि डेफिनेटली ये ग्रेड भी है नॉन गेजेटेड लेकिन इसका प्रमोशन इसको बहुत है और मेरा एक सीनियर है उससे मैंने कल बात किया तो उसने कहा था कि उन लोगों का बैच का कोई कोई अभी इनफैक्ट अंडर सेक्रेटरी बनने वाला है नो या डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएगा इन कमिंग डेज, तो इसका प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद लेबर ऑफिसर और AEO तो असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। इसको मेरे इतना आइडिया नहीं है इसलिए मैंने इसको 10th पे रखा है। अभी आजकल तो हमारा स्टेट में इतना काम नहीं है बट आई हैव हर्ड डेट इसका भी काम बहुत होने वाला है नो, तो ये अच्छा पोस्ट है। देन कम्स इंस्पेक्टर टैक्स एंड एक्साइज। वंस अगेन इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा एज वेल एज आपका उसको ये रेपुटेशन भी होता है एंड यू नो कहीं ना कहीं पैसा भी होता है इसमें। देन फाइनली विल बी फील्ड ऑफिसर। सो ये तो मेरा है। उसके अलावा अगर आपको पढ़ाई करना है जो एस आई सेड अर्लियर कि अगर आपको ये सिविल सर्विस या पुलिस सर्विस में नहीं मिला है एंड यू वॉन्ट टू स्टडी देन आई थिंक यू कैन ऑप्ट फॉर DDMO असिस्टेंट डायरेक्टर। ये सब में काम कम होता है। अदरवाइज आप CDPO लेगा ना या DLRSO लेने से काम थोड़ा से आपका क्या होता है काम करना पड़ता है बेसिकली, आप चुपचाप एक जगह पे बैठ नहीं सकते।
तो यही था आज का मेरा वीडियोस। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए एंड यू नो सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, एंड फाइनली ऐसा ऐसा मॉक टेस्ट पे अटेंड कीजिए। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेगा, मॉक टेस्ट अटेंड नहीं करेगा, तो यू नो आप फाइनल एग्जाम में आप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको लगेगा सब कुछ नया नया है, आपका पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, नो यू हैव दी नॉलेजेस, लेकिन आप उसको डालेगा कहाँ पे, कैसे फॉर्मेट में डालना है, कैसे स्ट्रक्चर करेगा, वो मुश्किल हो जाता है। और अगर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करने से आपका पास ऑटोमेटिकली वो फ्लो आ जाता है एंड आराम से हो जाएगा, डोंट वरी।